सो कैसी लगी आपको ये प्रॉपर्टी? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल महाबलेश्वर में। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जिसका नाम है होटल एवर शाइन। और सच में एवर शाइन होटल है, लेट्स टेक। ये इनका लॉबी का एरिया है जहाँ पे राइट हैंड साइड पे रिसेप्शन है। और चलो अब हम देखेंगे इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है। लॉबी के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ इनके होटल के एरिया में। पर उससे पहले क्विक नोट, पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर मैं 2 दिन से रुक रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया है। लेट्स सी, तो चलो हम देखेंगे। जैसे कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वो इनका डाइनिंग एरिया है, तो लेट्स गो। यहाँ पर ये स्पेशली कैंडल लाइट डिनर के लिए बनाया हुआ सेटअप है जिससे आप सीधा पूल का व्यू ले सकते हो और ओपन एरिया का आपको व्यू मिलता है। ये इंडोर सिटिंग है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, जहाँ पे बुफे लगता है। चलो अब देखेंगे बाहर का एरिया। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है हाई टी एरिया, जो ओपन लॉन है जहाँ पे शाम में हाई टी होती है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा जो ये पूरा एरिया आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है शाम को 4 से 8 बजे के बीच में। सेम डे शाम को 4 बजे यहाँ पर मिकी माउस आए थे और बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पे ये एक स्केच आर्टिस्ट है जो हमारा कार्टून स्केच बना रहे हैं, जो कि काफी प्रीटी लग रहा है। आप बताओ कमेंट करके कि ये स्केच कैसा लग रहा है। मेरे साइड से तो 10/10। चलो देखते हैं और क्या है। एंड दे हैव अ ह्यूज पूल देयर। आप उसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी होती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एयर साइकिलिंग है, योगा है। इनका पूल एरिया कैसा है, तो दे हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पूल और देयर, एक बड़ों के लिए और एक छोटों के लिए। उसके अलावा इनके पास पूल की एक्टिविटीज भी है यहाँ पर। साथ में उनके पास विलेज थीम रेस्टोरेंट इनका है, जैसे कि यहाँ पर आपको सी फूड ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे मचान बनने वाला है, शाम में लाइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पर उससे पहले चलते हैं हम लोग, अब देखेंगे कि इनके पास जो गार्डन है, जो इन लोगों ने खुद के वेजिटेबल्स ग्रो किए वाले हैं, वेजिटेबल गार्डन है इनका। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लगी है, कैबेज देख सकते हो, छोटी छोटी शिमला मिर्च भी आई है, पार्सले का ऑप्शन है इनके पास, चेरी टमाटोज है, लाल वाली मिर्च है। चूड़ी सेंटर है, मतलब ये जो बैठने की व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है, ये भी एक शांत जगह आपको मिलेगी बैठने के लिए। सो मैं ऊपर अभी मचान में जाती हूँ, लेट्स सी कैसा है। यहाँ से तो व्यू बहुत ही अलग है, मतलब ऑलमोस्ट आधा रिसोर्ट तो यहाँ से आपको दिख ही जाएगा और एकदम विंटेज वाली प्रॉपर सी वाइब यहाँ पर आपको मिलेगी। और लेट्स जस्ट ब्रीद अ क्लीन एयर, एटलीस्ट जो सिटी के लोग हैं उनके लिए तो ये क्लीन एयर ही हुई है एक तरह से। अच्छे अच्छे खाने की खुशबू यहाँ पे बैठ के आप लो, जो डाइट पे वो सिर्फ खुशबू ले सकते हैं। एक चीज, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े ना जाओ तो खाना भी फ्री है यहाँ पर। पेड जो आप होता है मील यहाँ पर मिलता है, रात में कैंडल लाइट डिनर्स के ऑप्शन होते हैं, शाम में यहाँ पे आपको हाई टी मिलेगी। उसके अलावा आप पॉपकॉर्न, हॉट चॉकलेट और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। हुक्का वुक्का भी है जो हम पीते नहीं है। यहाँ पे लाइव काउंटर्स होते हैं जो आप देख रहे हो, और ये इसके लॉन के जस्ट बैक साइड में वो पूरा उनका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे शाम में बुफेट अरेंज होता है। बुफेट में बहुत सारी वैरायटी है इन लोगों के पास। एंड बार के शौकीन के लिए यहाँ पर बार भी मिल जाएगा। अब हम भली कुछ करें ना करें, ऐसी आपको बताते हैं, अगर आप हुक्का पीने के शौकीन है तो आओ यहाँ पर हुक्का पी सकते हो। यहाँ पर हुक्का भी अरेंज होता है।
आओ यहाँ पर डेफिनेटली एक बार जरूर विजिट करना, कि क्योंकि ये यहाँ की सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे फोटो खींचने के लिए इन्होंने अलग अलग टाइप के प्रॉम बनाए वाले हैं। साइकिल आपको दिखेगी, ट्रक आपको दिखेगा, स्कूटर आपको दिखेगा, उसके अलावा पीछे में आप फोन बूथ आपको दिखेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो दिखाने में मुझे टाइम लगेगा। चलते हैं, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। ये जो आप देख रहे हो ना, सारे रूम्स है, डिलक्स रूम विद अ पूल व्यू। पर तीन टाइप के टोटल रूम्स आपको मिलेंगे। हम लोग डिलक्स रूम में रुके हुए हैं। डिलक्स रूम में आपको बताऊंगी किस तरह की है। तो ये है रूम, जस्ट इस रूम के वॉशरूम्स काफी छोटे हैं, मतलब डिलक्स रूम है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से वॉशरूम थोड़े बड़े होने चाहिए थे। जिस चीज का इंतजार था मेन है व्यू। ये है हमारे रूम से व्यू। अब रूम से निकल के हम लोग सीधा जाएंगे एक्टिविटी एरिया की ओर। चलो देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ। सो अभी हम जाएंगे एक्टिविटी एरिया की तरफ। सो अगेन हाय, मैं अभी आ चुकी हूँ एक्टिविटी एरिया में। ये कोई एक्टिविटी नहीं, ये तो रिलैक्सिंग है। सामने एक्टिविटी आपको मैं दिखाऊंगी, चलो लेट्स सी। सामने में आप यहाँ देखोगे कि ये पूरा एक्टिविटी एरिया है। आफ्टर रिलैक्सिंग अ लिटिल बिट, बहुत सारा रिलैक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ करनी है तो आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आर्चरीज है, वॉल क्लाइंबिंग है, उसके बाद बाउंसिंग है, और मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे अंदाजे इतने अच्छे नहीं है, पर लेट्स जस्ट चेक कि क्या मैं मार सकती हूँ। तो मत पकड़ो, अरे रस्ते को किसने, ये दो। अच्छा तो देखो, मुझे नहीं आता है, भैया ने बताया, थैंक यू भैया। ये वो ओ वाओ, आर्चरीज तो हो गई है, कुछ निशाने पे लगे, कुछ बिना निशाने, और अब हम लोग करेंगे ये वॉल एक्टिविटी। ये पूरा दिन यहाँ पे रहती है, शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे भीड़ हो जाती है। गिरने के चांसेस कितने भैया? 100%। तो इसलिए सबसे पहले गियर लगा लो, गिर गए तो भी आपको नुकसान नहीं होना, हेलमेट इज मस्ट। चलो चलते हैं, करेंगे रॉक क्लाइंबिंग। कितना कर पाएंगे वो तो नहीं पता, पर ट्राई तो हम 100% देंगे। भाई ये जितना आसान दिखता है ना। हाँ, अरे बाप रे, नहीं रे भाई। बापरे, फिटनेस बहुत जरूरी है भाई ये चढ़ने के लिए। सो यू कैन रिजुवेनेट योर सोल। अगर आप योगा के शौकीन हो तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से झाड़ के नीचे आप बैठ के योगा कर सकते हो। और यहाँ पे पूरा योगा के मैट है, इसके टाइमिंग स्पेसिफिक हैं, उसी टाइम पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे साइकिलिंग के ऑप्शन आपको मिलेंगे, पूरे दिन अवेलेबल रहते हैं पर हम शाम में करेंगे साइकिलिंग। इसके अलावा इस हाथ पे आप देखोगे देखोगे तो बहुत ही बड़ा ह्यूज, हाँ ह्यूज सा जंगल बोलो, गार्डन बोलो, और यहाँ पे बहुत सारा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी चिड़िया की आवाज भी आ रही है।
यहाँ पर आप बच्चे ही नहीं बड़े भी झूला ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर। सो नाउ हम लेंगे साइकिल की राइड और ये हमारी बेटी बैठी है गड्डी पे। ऑरेंज वाली दे देना। आज मेरे साइकिल पर बैठ जा। यहाँ पे आपको स्पा, जिम, अलग अलग टाइप के एक्टिविटी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इन अ वन रूफ। दिस इज प्ले एरिया, दिस इज जिम। रात में ये तो एक अलग ही नज़ारा होगा क्योंकि ये पूरे लाइट्स अलग अलग कलर के चलते हैं और पूरा लाइट में रहता है यहाँ पर। रात में तो इसकी खूबसूरती और ही ज्यादा उठ गई है। चलो शाम में ये रिसोर्ट की जो खूबसूरती है और ज्यादा बढ़ जाती है। ये आप आकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पे, ये कैमरे में कैद ही नहीं हो सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय।